हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप ऑफ गुड प्रोग्रामिंग। हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिसके वजह से हम गुड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये किस टाइप का प्रोग्राम है, किस लिए है, वो सभी समझ होनी चाहिए। पहले प्रोग्राम को ही समझो, बाद में आप जो करना है वो करो। बाद में प्लान ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पे आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के मदद से प्रोग्राम का जो लॉजिक होगा वो आपको बिल्ड करना है, इसे हम प्लान ऑफ प्रोग्राम कहेंगे। ये लॉजिक बिल्ड हो जाने के बाद हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग होने के बाद हम ट्रांसलेट करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रिंटर, ये दो सॉफ्टवेयर है, इनमें किसी एक का यूज़ करके। ट्रांसलेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज है वही समझता है, और ये कंपाइलर और इंटरप्रिंटर है वो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाद में आता है टेस्टिंग, आपका जो भी प्रोग्राम बना है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, आपके मुताबिक इनपुट दिया तो आउटपुट सही है कि नहीं, वो सभी टेस्ट करने पड़ते हैं, उसे हम टेस्टिंग कहेंगे। बाद में आप पुट योर प्रोग्राम इन मार्केट, यहाँ पे प्रोग्राम टेस्ट हो जाने के बाद आपको प्रोग्राम जो है मार्केट में पेस्ट करना पड़ता है, वो सभी यूज़र आपका प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह अंडरस्टैंडिंग ही मेन है। अंडरस्टैंडिंग आ जाने के बाद उसका लॉजिक बिल्ड करना है, बाद में कोडिंग करना है, बाद में ट्रांसलेट करना है, बाद में आपका प्रोग्राम का टेस्टिंग करना है, और आपका प्रोग्राम जो है वो मार्केट में मिलता है। तो ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप गुड प्रोग्रामिंग कर पाओगे। और आगे के वीडियो में मैं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंट के बारे में बताऊंगा, इसके साथ एरर कितने टाइप की होती है इसके बारे में बताऊंगा, और कमेंट किस तरह से होती है इसके बारे में बताऊंगा। तो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप को ढूंढना ना पड़े और सही आसानी से आप मेरे वीडियो को देख सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।